क्यों ये देखो इसको लेने आया हुआ था। आज तीन बच्चों को भरा के लाने का एग्जाम मेरे ऊपर ही लगेगा, फाइल हो गई अपनी साइन, अब बस गाड़ी का इंस्पेक्शन होना है। और वैसे अगर ये नेटिव इंडिया के हैं और इंडिया में पहली बार आए हैं मगर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एंड सुबह सुबह का टाइम है और आज हम आए हैं बीच पे वॉक करने। आज बीच पे वॉक क्यों कर रहे हैं, आज एक्सरसाइज नहीं गए तो हमने सोचा कि वॉक की जाए, और क्यों नहीं गए उसका रीजन आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल हम पहले मॉर्निंग वॉक करते हैं और एंजॉय करते हैं सुबह का व्यू। आपको थोड़ा दिखाता हूँ अगोंडा बीच से कैसा हो रखा है और कैसा क्राउड है, वो भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। वीकेंड जैसे क्या थोड़ा सा फुल रहता है, और अब वीकडेज कैसे रहने वाले हैं तो वो भी आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं पहले आज का अपना ये ब्लॉग। तो जी अभी जितना भी क्राउड है वो फॉरनर क्राउड है और इंडियन क्राउड बहुत कम हो चुका है। फॉरनर क्राउड भी बंद तो अब कम होने वाला है, कम हो गया काफ़ी। हाँ काफ़ी लोग चले गए वापस और ऐसा हो रखा है अपना अगोंडा बीच। देखो ये इधर स्विमिंग कर रहा है बंदा, तो स्विमिंग के लिए अभी बेस्ट हो रखा है बीच। और हाँ एकदम क्लियर है। और इधर की तरफ देखो तो ये देखो क्राउड बहुत कम हो चुका है। अभी पिछला व्लॉग मैंने अगोंडा बीच से जो बनाया था उसके मुकाबले आप देखोगे ना बहुत कम लोग आपको दिखेंगे इधर। ये कुछ एक्टिविटीज चल रही यहाँ पे, योगा वगैरह कुछ कर रहे हैं शायद। हाँ बाकी पीछे तक थोड़ा सा मिस्ट सा है, आगे बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा। पहाड़ी है वरना पूरा क्लियर दिखता था। ये लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा मिस्ट है, तो वैसे अच्छा हो रखा है सी, मतलब स्विमिंग के लिए इस टाइम मुझे बेस्ट लग रहा है अभी आजकल ना। और अगर आपने कोला बीच वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखना आप कितना क्लियर वाटर है ऊपर से, वहाँ पे पूरा लग रहा था देखने में कि हम किस मतलब मालदीव वाले बीच जैसे होते हैं ना, उससे भी अच्छा लग रहा था मुझे। वो ऊपर से पत्थर ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे, इतना क्लियर वाटर था वहाँ पे। यहाँ पे खैर अगर ऊपर क्लिप पे जाओगे वहाँ से ये भी ऐसे ही दिखता है नीचे को, अगर ऊपर से देखो आप। हाँ या ड्रोन से, तो ड्रोन अपना अभी काम नहीं कर रहा इसलिए मैंने ड्रोन शॉट लेने बंद कर रखे हैं। तो जी वॉक वगैरह करके आज वॉक ही हुई है बस बीच पे, तो जाके रनिंग वनिंग कुछ नहीं करी आज, जिम भी छोड़ा हमने। तो अभी चल रहे हैं अपन चावड़ी और आज जा रहे हैं हम दोनों आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं। एक्चुअली आरटीओ में ना रोज चक्कर लग रहा है, रोज वो नया डॉक्यूमेंट, रोज नया डॉक्यूमेंट। तो आज मैं चल के बात कर ही ले भाई एक बार के करना है नहीं करना या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्यों चाहिए। हाँ फाइनल हमें बता दो, लिख के दे दो अपने एक लेटर हेड पे। इतने चक्कर लगा दिए ना ऑलरेडी, हाँ कि इतने चक्कर अगर बंदा मतलब सीरियसली बहुत चक्कर लग चुके, रोज एक नया डॉक्यूमेंट बता दो। एफिडेविट कल नया बनवा के दिया है, चलो ठीक है। एफिडेविट में जो है एड्रेस का कुछ कमी हो गई थी जिसने वो टाइप किया था, मैंने भी चेक नहीं किया था उतना। तो एड्रेस ठीक है, पहले दिन चेक हो जानी चाहिए कि जी आपने ना यहाँ पे ये एड्रेस लिख रखा है और यहाँ पे आपका ये एड्रेस है। अगले दिन फिर कुछ हम पक्का करके आते हैं कि अब बता दो अब कुछ और नहीं बचाना, तो कहते नहीं। हाँ और फिर तीन वो पता नहीं क्या क्या नए नए डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। अब कल मुझसे ये बोल रहा है बंदा जो यहाँ पे वो है ऑफिसर है, तो के ये आप जो डीएल ले रखा है आपने ये हिमाचल का है, इसे यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर कराया। मैं कहा ये बताओ आपको डीएल से मतलब है या गाड़ी से या आपके काम में ये इससे कोई रुकावट आ रही है। बोले नहीं, तो मैं कहा फिर आप क्यों इसके फालतू की टेंशन ले रहे हो, ये टेंशन मेरी है। मेरा हिमाचल का डीएल है, मेरा तमिलनाडु का है या मेरा केरला का है या मेरा यूपी का है, वो मेरी हेडक है, मुझे वहां जाना पड़ेगा उसको रिन्यू कराना, वो मेरी परेशानी है आपकी थोड़ी ना इसमें। तो तब जाके वो इस बात पे चुप हुआ, नहीं तो वो यार नई नई बातें लेकर आ रहे हैं, नई नई बातें कि यार अब ऐसे गिरना है, अब ऐसे बोलूं, अब ये बोलता हूँ। तो आज ठीक है चलो आज फिर इसलिए हम दोनों लेट निकले कि चलते हैं पहले ये काम साथ ही करके आएंगे आज। हाँ। कल एक नई बात और बोली, वो तो मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि आप जो रेंट पे करते हो उसका इनवॉइस भी चाहिए मेरे को, क्या बता नहीं दे रहे हो रेंट बताओ। तो रेंट एग्रीमेंट में आज वो यही पूछना है, रेंट एग्रीमेंट आपने किस लिए लिया है, एड्रेस के लिए या फिर ये चेक करने के लिए कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए। और आप कंसर्न डिपार्टमेंट हो बिल्कुल, तो आज थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। मतलब अभी चाहते क्या हो आप बता दो। हाँ।
और जो भी चाहते हो हम लोग पूरी करके देंगे आपकी ख्वाहिश, टेंशन मत लो। तो जी अभी वापिस आ रहे हैं हम मार्केट से भी और कानकोट से। तो आज चले गए थे हम ऑफिस और फाइल हो गई आज अपनी साइन, आरटीओ ऑफिस गए थे। हाँ तो फाइल हो गई अपनी साइन, अब बस गाड़ी का इंस्पेक्शन होना है तो कल होगा। उसके लिए कल 2:30 बजे मुझे फिर जाना है और उसके बाद फीस वगैरह जो है वो जमा करनी है यहाँ पे। तो जो भी फी वगैरह होगी जो भी इनका कंप्यूटर बताएगा वो यहाँ पे बस जमा करनी है, तो वो अभी पता चलेगा। एक स्टेप और बचा है बस ये इंस्पेक्शन वाला, फिर उसके बाद गाड़ी इधर के रजिस्ट्रेशन मतलब प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। बस चल तो प्रोसेस ही रहा है 1.5 महीने से, पर ठीक है चलो। सारे डॉक्यूमेंट जितने थे वो दे दिए मैंने, जितने थे मेरे पास इधर। हाँ मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे दे दिए इधर के। अभी चलते हैं घर कैफे पे अपने। आज हम लेट हो गए क्योंकि आरटीओ का काम था ना, वो भी करना जरूरी था। तो जहाँ जहाँ जो जो साइन चाहिए थे उनको वो सब करा दिए, सेल्फ अटेस्ट सारी कॉपियां जितनी भी थी वो करनी थी, एक दो बची हुई थी जो वो भी करके आए भाई मैं। तो ये अपना डेटा चल रहा है, डेटा कन्वर्ट हो रहा है। ये लिए मैंने 4 TB की हार्ड डिस्क और ये अपनी ये देखो सी ड्राइव बिल्कुल फुल हुई पड़ी थी, जिस वजह से क्या इसमें कुछ भी मैं एडिट वेडिट कर नहीं पा रहा। आज का दिन इसमें लग गया पूरा, कितने GB डेटा कर दिया मैंने, करीब 1 TB डेटा मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अभी भी 200 GB और बचा है, वो सारा इसमें किया है। तो कम से कम कितने 6-7 घंटे लग गए मुझे इसी में, आज सुबह से रख रखा है इधर आने के बाद 12-1 बजे से लगा दिया था और अभी तक चल ही रहा है, 6 बज गए, 5 घंटे से ऊपर हो गए। तो जी आज सेकेंड डे है एक्चुअली, आज है 21 तारीख। तो आज मुझे जाना था वैसे तो इसके लिए जो गाड़ी का इंस्पेक्शन होना था। आ गया क्यों ये देखो, इसको लेने आया हुआ था और ये कह रहा 2 बजे छुट्टी होगी कोई प्रोग्राम है और ये भाग्या है। और वो को भी लिया है साथ में, दो को भी साथ में भगा लिया। अब ये कल मैडम देखेगी चलो चलते हैं। तो फिर आज का हमारा कैंसिल हो गया था इंस्पेक्शन का। आज 3 बच्चों को भरा के लाने का एग्जाम मेरे ऊपर ही लगेगा। फिर मैं रुक गया था कि वेट कर रहा हूँ, चल ठीक है आधा घंटे की बात है, हमारा बैग वो उठा के अपने आ गया के चलता हूँ। पता नहीं कुछ प्रोग्राम बता रहे थे बच्चे के, आज लास्ट वो था हमारा असेंबली कुछ टेंथ है तो इसलिए इनका अभी क्या फेयरवेल है फरवरी एंड में। तो जी आज हमसे जो मिलने आए हुए हैं राजू सर आए हुए हैं, राजू भाई जी ये आए हुए हैं नीदरलैंड से। और वैसे अगर ये नेटिव इंडिया के हैं और इंडिया में पहली बार आए हैं मगर, तो वो रहते हैं श्रीनाम करके जो जगह पड़ती है, ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वहीं पे रहे हुए हैं, 200 साल पहले उधर गए हुए थे इंडिया से ही, और इंडिया से इतना प्यार है कि वो पहली बार इंडिया घूमने आए हैं काफ़ी टाइम के बाद में। तो अच्छा लगा और स्पेशली मेरे पास आए मिलने, काफ़ी अच्छा लगा। चलो उनका जो है अभी गाड़ी आ गई है तो उनको जाना है वापस, एंड अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई साहब बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोग बहुत बढ़िया इंसान है, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। जी जी मैं ब्लेस हुआ, थैंक यू। और चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर प्लान बनाना घूम के जाना। चलो बाय बाय बाय। तो जी गुड मॉर्निंग, अगली सुबह है और जैसे कि मैं बताया था कल एक्चुअली वो अक्षु आ गया था तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो भूल गया। कल जो था क्या मुझे जाना था गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन उनका फ़ोन आया था उधर से, परसों ही आ गया था ये बंदो जब मैं घर पहुंचा था जैसे ही, कि जी आप ना कल मत आना, थर्सडे आना, मतलब आज मुझे जाना है इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी का। तो फाइनल अभी यही बचा है और देखते हैं आज जाके इसको करवा के और उसके बाद में कब तक फिर इधर का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, कब तक नंबर मिलता है वो भी
देखते हैं, बात करके आऊंगा आज पूरा। तो अभी बस मार्केट होके जिम करके, आज मार्केट का सामान ज़्यादा नहीं था, तो फिर बस एक्सरसाइज करके जिम वगैरह करके अभी पहुँचे हैं आप यहाँ पर अपने घर पे। और मैंने अपना कैफे कर दिया है पहले बिल्कुल एकदम क्लीन, तो आने के बाद क्या मैं नहा के जैसे जाता हूँ ना, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता प्रॉपर, तो इसलिए मैंने अभी सुबह में ही क्या आज सफाई वफाई करके फिर मैं जाऊँगा आरटीओ ऑफिस। तो अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा, वो सारा कुछ आपको ब्रीफ कर दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी एक पर्टिकुलर ब्लॉग बना के भी मैं डालूंगा मोटोव्हील चैनल पे स्पेशली, क्योंकि वो कार से रिलेटेड ही इसमें ज़्यादा काम है, तो उस पर भी बताऊंगा कि भाई कैसे क्या प्रोसेस करना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या चीज़ें वो रिक्वायर्ड होती है। टोटल एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली जो फेस करी चीज़ें वो सारी कुछ बताएंगे। तो चलो जी अभी इस ब्लॉग को करते हैं आज यहीं ख़त्म, बस अगले ब्लॉग में मिलेंगे, इस ब्लॉग को अभी यहीं पे रखते हैं बस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।